जियो का अपडेट निकल के दोस्तों आया है कि अब जो है जियो फोन 3 जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जियो के जो है सेल्स डिपार्टमेंट के जो मैन है, हेड है, सेल्स हेड सुनील दत्त नाम है इनका, और इन्होंने जो है कुछ दिन पहले कुछ इशारा दिए थे इस तरफ कि जियो का फ़ोन 3 जो है कब लॉन्च होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों का जो है अब बेसब्री का जो है वो अब बेसब्री इंतज़ार ख़त्म कर देते हैं और बताते हैं कि जियो फोन 3 कब तक लॉन्च हो जाएगा। इसका फुल प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स बता देते हैं और इसका मॉडल जो है वो शेड्यूल हम दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से होने वाला है दोस्तों। तो जहां तक इन प्राइस का दाम आपको बता दें दोस्तों, तो लगभग जो है वो 1500 रुपये ही होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 1500 रुपये ही होंगे। और दोस्तों इस मोबाइल का जो मैं फीचर्स बता देता हूँ, 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएंगे और कैमरा में 5 मेगापिक्सल का आ सकता है, ठीक है। ये फ़ोन जो है दोस्तों अमेरिका की एक डिवाइस कंपनी के साथ जो है मिल काम कर रही है। और अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है और ये कहाँ पर जो है लॉन्च होगी, किस वेबसाइट पर कहाँ पर ये जो है सेल्स होगी। दोस्तों मैं बता दूं कि रिलायंस जियो जो है अपने खुद के वेबसाइट पे ही अपना कोई भी फोन्स को फीचर करता है और वहाँ पे जो है सेल आउट होता है, बेचता है वहीं पे। तो रिलायंस जियो का एप्लीकेशन जो है माई जियो ऐप, वहाँ पे ये जो है आ जाएगा। प्लस में आपको ये मोबाइल जो है reliancejio.com की वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्लस ये जो है होली के समय में, मार्च में होली ऑफर के तहत जो है ये मोबाइल लॉन्च होने का पूरा पूरा उम्मीद है। तो दोस्तों आप लोग भी वक्त थोड़ा सा बिताइए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है और जियो जो है मीठी मीठी खुशखबरी हम लोगों को देती रहती है। दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, अपना मीठा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लस में इस वीडियो को दोस्तों लाइक करके जाना, ठीक है। और कमेंट में बताओगे दोस्तों मेरा आपका आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। मैं सिंगल कट में ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्बेंस आया है तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। आप लोग का मैं भाई हूँ और आप लोग ही मेरी फैमिली हो, ठीक है। बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।